हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त ज्योति। आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। फ्रेंड, इस चैनल पे हम इंग्लिश ट्रांसलेशन और बेसिक इंग्लिश के बारे में बात किया करते हैं। हमारा आज का ये वीडियो हाउ टू कॉम्प्लीमेंट समवन इन इंग्लिश, किसी की तारीफ हम कैसे करेंगे, इस बारे में ये वीडियो हमारा होने वाला है। किसी की तारीफ हम इंग्लिश में किन किन तरीकों से कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में है हमारा ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कॉम्प्लीमेंट समवंस अपियरेंस, किसी के अपियरेंस को बाहरी बाहर से वो जैसा दिख रहा है उसको हम किस तरह कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यू लुक अमेजिंग, कमाल के दिख रहे हो तुम। लुक्स ग्रेट ऑन यू, बहुत अच्छा दिख रहा है तुम पे। व्हाट अ लवली ड्रेस, दिस कलर सूट्स यू, इट लुक्स गुड ऑन यू। कॉम्प्लीमेंटिंग समवंस पर्सनैलिटी, अब किसी के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम उसकी तारीफ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यू आर सो हार्ड वर्किंग, तुम बहुत मेहनती हो। यू आर सो ऑर्गेनाइज्ड, यू आर सो थॉटफुल, यू आर सो पॉजिटिव, यू आर फैंटास्टिक, यू आर फैंटास्टिक। कुछ इन तरीकों से हम किसी के पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी की तारीफ कर सकते हैं। यू आर अ जीनियस, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी स्मार्ट। लेकिन इन तारीफ को करने से पहले सिचुएशन अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यू आर अ जीनियस, जब कोई किसी काम को कोई बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, कर देता है, कोई बच्चा मानो कर देता है, तो आप कह सकते हैं यू आर अ जीनियस। आई लाइक हाउ चीयरफुल यू आर, आई लाइक हाउ चीयरफुल यू आर, यू आर सो पॉजिटिव। अगर किसी का एटीट्यूड हर चीज़ की तरफ पॉजिटिव है, सकारात्मक रुख है, तो आप ये कह सकते हैं यू आर, सॉरी यहाँ पे दो बार आर टाइप हो गया फ्रेंड्स, इग्नोर करिएगा। यू आर वेरी कर्टियस, यू आर सो केयरिंग, यू सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल, यू सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल। आई अप्रिशिएट दैट यू आर सो ऑनेस्ट, आई अप्रिशिएट दैट यू आर सो ऑनेस्ट, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू ब्रिंग अ गिफ्ट। जब आपके जन्मदिन पे कोई गिफ्ट आपके लिए लेके आता है तो आप ये कह सकते हैं इट वॉज नाइस ऑफ यू टू ब्रिंग अ गिफ्ट। कुछ इन तरीकों से हम किसी की तारीफ कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सिचुएशन का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंटिंग समवंस होम, अब सपोज किसी ने आपको पहली बार अपने घर पे इनवाइट किया है तो आप उसके घर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाओ, लव योर लिविंग रूम, इट्स सो कोजी, यू हैव अ वेरी नाइस प्लेस, यू हैव अ ब्यूटिफुल होम, आई लव योर टेरेस, इट्स सो ब्यूटिफुल। अब सपोज किसी ने आपको खाने पे बुलाया है और आप उनकी खाने की तारीफ करना चाह रहे हैं, तो आप अगर खाना बहुत स्वादिष्ट है, यमी है, तो आप कह सकते हैं फूड इज़ सो डिलीशियस या फूड वॉज सो डिलीशियस। खाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि खाना बहुत ही लजीज था या स्वादिष्ट था। यू आर अमेजिंग कुक, यू आर अ छूट गया फ्रेंड्स, इग्नोर कीजिएगा। यू आर अमेजिंग कुक, डिनर वॉज डिलीशियस, बहुत। अगर रात के खाने पे आपको बुलाया गया है तो आप बोल सकते हैं डिनर वॉज डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का तारीफ़ करने के अलग अलग तरीकों को जानने से रिलेटेड वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि ये सारे तरीके आपको हेल्प करेंगे डे टू डे लाइफ में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से तारीफ करने के लिए। तो ज्योति स्टडी सेंटर के साथ दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत